नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर मुंगेर से है। मुंगेर में फिर एक बार लेडी सिंघम कही जाने वाली लिपि सिंह को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गाँव में हथियार तस्करों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जिला सूचना इकाई को सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। जिला सूचना इकाई और मुफस्सिल थानाध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान बरदह गांव में छापेमारी की गई। बरदह निवासी मोहम्मद सज्जाद के घर की छापेमारी के दौरान हथियार की बरामदगी हुई। बता दें कि मोहम्मद सज्जाद के घर की छापेमारी के दौरान कई हथियार भी बरामद किए गए। गिरफ्तार मोहम्मद सज्जाद हथियार को खरीद कर दूसरे जिलों में बेचने का काम करता था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव में हथियार तस्करी के उद्देश्य से कुछ हथियारों को डंप किया गया है तथा उसे कहीं दूसरे जगह पर मूवमेंट कराए जाने की तैयारी है। गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत कल्याणचौक बरदह में छापेमारी की गई। वहां सूचना मिली थी कि कुछ हथियारों को हथियार तस्करों ने डंप किया गया है। रेड में जिला सूचना इकाई और मुफस्सिल थाना द्वारा 3 पिस्टल, 1 मास्केट और 6 मैगजीन रिकवर किया गया मोहम्मद सज्जाद के घर से। मोहम्मद सज्जाद पूर्व में भी जेल जा चुका है आर्म्स तस्करी के आरोप में। 2013 में गया में 6 पिस्टल के साथ इसको अरेस्ट किया गया था। उसके पहले भी मुफस्सिल थाना अंतर्गत में यहाँ पर एक कार्बाइन के साथ उसकी पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो एक बड़ा हथियार तस्कर है और इसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद से हम लोग को कुछ और आर्म्स तस्कर के बारे में भी लीड मिली है। उसके लिए कार्रवाई की जा रही है।